युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 2 मार्च 2020 दिन सोमवार, फागुन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि दोपहर 12:52 तक रहेगी और उसके पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 1:02 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 8:15 से लेकर 9:43 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप जुआ, सट्टा बाजार, शेयर इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपका मेहनत से कमाया हुआ धन नष्ट हो जाएगा और इसलिए आज आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आज यदि आप केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी कार्य को करते हैं या किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा आपको ही अपमानित होना पड़ सकता है। आज आपका अखंड स्वभाव भी समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनी शशि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज आपको अपनी बुआ के घर से भी कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपको प्रातः काल उठकर पवित्र होकर दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज मकर राशि वालों, अगर आप संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करके कोई भी राशि का जातक आज बड़ी सरलता से अपने भाग्य को पलट सकता है और सौभाग्यशाली बन सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर नहा धो लें और फ्रेश हो जाएं। उसके बाद आप मार्केट से 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ लेकर आए।
इन दोनों को आप मिला लें और उसके पश्चात इनकी रोटियां बनाएं। उसके बाद शाम के समय गायों को ये रोटियां खिलाएं। आपको ये कार्य लगातार 60 गुरुवार तक करना है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य चमक उठेगा और आप अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूं। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के तहत जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।